तो रामायण का थोड़ा बहुत पाठ पढ़ने के बाद और दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं टी गार्डन, डेमरो टी गार्डन, जो वन ऑफ द बिगेस्ट टी गार्डन है श्रीलंका का और बहुत सुंदर है। तो टी का प्रॉपर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, जो मैंने ऊटी टी फैक्ट्री का शूट किया था, तो यहाँ भी कुछ कुछ वैसा सा ही है, बट स्टिल आई विल शो फ्यू ऑफ द ग्लिम्पसेस ऑफ द टी गार्डन एंड टी फैक्ट्री, क्योंकि दोबारा इलिया ही यहाँ का मेन हिल स्टेशन है जो बहुत ठंडा रहता है पूरा 12 मंथ्स। तो मैंने अपने गाइड ऊपर से पूछा कि क्या यहाँ पे स्नो वगैरह भी होता है, स्नोफॉल एंड ऑल, तो ऊपर ने बोला हाँ कभी 5-6 ईयर्स में एक बार थोड़ा बहुत स्नो देखने को मिलता है, मतलब कि 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जाता है यहाँ पे जनवरी और फरवरी के अराउंड में। तो बेसिकली इट्स गुड, मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे स्नो भी होता होगा। लंबा सफर है रास्ता, बोले बोले जो दुनिया तू ना सुनना, सुनना वही जो ये दिल बोले। तो हंसते खेलते नाचते गाते हम लोग पहुँचे डेमरो टी गार्डन और डेमरो लाउंज भी कह सकते हो, और यहाँ पे हमने देखा बहुत डिफरेंट वैरायटी की टी रखी हुई थी, वाइट टी, रेड टी, ब्लैक टी, लेमन टी, ब्लाबला टी, टू मेनी टीज। और ये था इनका काइंड ऑफ गोडाउन जहाँ पे सारा रॉ मटेरियल आया था इनका, मतलब रॉ टी लीव्स बेसिकली। और ये था इनका फैक्ट्री एरिया जहाँ पे सारी टी लीव्स प्रोसेस होती है और फिर एक फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है जो है चाय। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, चाय पत्ती। तो वहाँ पे जो टी स्पेशलिस्ट ही बोलेंगे, जो वहाँ पे बता रही थी सब कुछ, उन्होंने हमें बताया कि कितने वैरायटी की चाय होती है, चाय पत्ती भी कोई बारीक होती है, कोई बहुत ही मतलब मोटी होती है, कोई रिफाइंड होती है, बहुत अलग अलग वैरायटीज़ की होती हैं, अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं और उसके अलग अलग नुकसान भी होते हैं हर चाय के, बेसिकली पूरी साइंस है चाय के पीछे भी। पर द बेस्ट टी इज़ ऑलवेज अ वाइट टी, तो वाइट टी सबसे बेस्ट होती है, सबसे हाई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उसमें। तो पूरा फैक्ट्री का टूर कराने के बाद हमारी गाइड हमें यहाँ पे ले आई चाय पिलाने के लिए, क्योंकि आप किसी भी टी फैक्ट्री में जाओगे तो आपको चाय मुफ्त मिलेगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा फीकी चाय मुफ्त मिली, ब्लैक टी इनके हिसाब से बेस्ट टी होती है। और मैंने भी ये ब्लैक टी का बॉक्स यहाँ से खरीदा जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि श्रीलंका वाला है, दैट्स इट, बाकी चाय तो अपने इंडिया की भी नंबर वन है। तो थोड़ा मोरा टी फैक्ट्री में देखने के बाद अब हम जा रहे हैं आगे की ओर, टी स्टेट जहाँ पे टी गार्डन्स हैं, और वहाँ पे रुक के थोड़ा सा सीनिक व्यू लेंगे और फोटोग्राफी करेंगे। तो हमारी गाइड बता रहे थे कि ये जो एक टी प्लांट होता है ना, चाय पत्ती का जो एक पौधा होता है, उसकी लाइफ 50 से 100 साल होती है, बोले तो 50 to 100 years, मतलब ये एक ही पौधे में इतनी बार पत्ते होते हैं। और जब इसकी लाइफ पूरी हो जाती है, मे बी आफ्टर 50 years, 80 years, 100 years, तो उसके बाद इसको वहीं पे डिस्पोज कर देते हैं और इसकी खाद लगती है। और इसके बाद यहाँ पे उगाया जाता है लेमन ग्रास, और लेमन ग्रास इसलिए उगाते हैं ताकि उस जगह पे जो भी इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, जो भी हार्मफुल चीजें हैं प्लांट के लिए, वो सब वहाँ पे खत्म हो जाए। वैसे देखा जाए तो काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है टी प्लांटेशन का, और एक टी प्लांट की लाइफ बहुत लंबी होती है, तो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है वैसे देखा जाए तो। सावरिया सावरिया मैं तो हुई बावरिया, तूने मन मोह लिया, सावरिया 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 मैं तो हुई बावरिया, उलझा सा ये मन है, सुलगा सा ये तन है, सब आराम से ये वो नायक है, तू फिर इसको आ रहे हो, तू ऊपर ही छोड़ दो आराम से, ओए चल बुला रहे हो, पूछ जल्दी जा, आ रहा हूं ये चाहे क्रीचर।
नोट्स ले लेना मेरे लिए। गम भुलाए चाहता हूँ किसी की धुन में तड़कते दिल के तरंगे लिए। I'm saying out of all, this is the best place. Sri Lanka is the best. प्यार क्या करे बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए हम तो तुझे हो गया है प्यार क्या करे तो चलते चलते हम सुबह से बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत सारी साइट्स विजिट हो गई हैं आज, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिया है ब्रेक एक दो घंटे का। ये है ग्रिगोरी लेक और ग्रिगरी लेक बोलते हैं इसको, ये भी निवारे लेक के अंडर आती है। और वैसे इस एरिया को सेंट्रल प्रोविंस भी बोलते हैं बिकॉज ये पूरे श्रीलंका के बिल्कुल बीचों बीच आता है, बिल्कुल सेंटर में ये एरिया है। So after enjoying the beautiful lake and the scenic views, we started for our hotel. तो आज का दिन हमारा बहुत अच्छा रहा, हमने बहुत enjoy किया। अब हम जाएंगे और लुढ़केंगे और देखते हैं day 3 of श्रीलंका कैसा होता है। देखो कुदरत के नजारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा। माना तेरी सूरत की है चांदी 100% बिल्लो, मेरे दिल का सोना भी खरा। ये तेरी चांद बालिया है होठों पे ये गालिया, ये तेरी चांद बालिया है होठों पे ये गालिया, सोचने का मौका ना दिया है, मैं तो तेरे पीछे हो लिया।